दोस्तों टिकटॉक स्टार मिस्टर फैजू को हुआ जेल। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ अभी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग भी है कि टिकटॉक स्टार मिस्टर फैजू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल हो गया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ जो असल मामला है, जो असल सच्चाई है वो क्या है। इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफ एम पिक्सल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो घंटी का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की साइबर सेल द्वारा झारखंड में तबरेज अंसारी की भीड़ से संबंधित एक वीडियो के बारे में कथित तौर पर एक वीडियो प्रसारित करने के लिए कुछ लोगों के समूह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें से एक समूह का सदस्य था जिसका नाम था मिस्टर फैजू 07 और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी है। ये मामला तब सामने आया जब शिवसेना IT सेल की कोर कमेटी के सदस्य रमेश सोलंकी ने मुंबई में ग्रुप LT मार्ग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और विवादास्पद वीडियो अपलोड करने वाले टिकटॉक उपयोगकर्ता के खिलाफ अपनी शिकायत प्रस्तुत की। आपको बता दें कि शिकायत के बाद कथित वीडियो को टिकटॉक से बाहर निकाला गया था, जो कि मिस्टर फैजू के अकाउंट पे था, जबकि जिस समूह ने वीडियो अपलोड किया था उनके खाता को भी निलंबित कर दिया गया है। अब इस घटना के बाद एक दिन मिस्टर फैजू ने माफ़ी भी मांग लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे वीडियो से आहत महसूस करता है तो हम ईमानदारी से माफ़ी मांगना चाहेंगे। हमारा इरादा किसी का दिल दुखाना या उनका अपमान करना नहीं था, हमने वीडियो को निकाल दिया है, जय हिंद। तो दोस्तों मिस्टर फैजू ने अपनी माफी जो है वो मांग ली है और दोस्तों अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जैसे ही कुछ होता है दोस्तों मैं आपको पल पल की खबर जो है वो देता रहूंगा अपने चैनल पर। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन है यानी कि जो घंटी का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।